एबीपी न्यूज़ 24x7 सच्चाई कलम की नोक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज। यहाँ इस वक्त की बड़ी खबर। आजमगढ़, 23 मार्च को समाजवादी पार्टी कार्यालय जनपद आजमगढ़ पर अमर शहीद सरदार भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु व समाजवादी विचारधारा युक्त व समाज की अलख जगाने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जन्मदिवस पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि सरदार भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु हमारे भारत देश के महान क्रांतिकारी लोग थे। उन्होंने हमारे भारत देश को आज़ादी कराने के लिए, अंग्रेजों को भारत देश से भगाने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को आहुति दे दिए। इस महान वीर अमर सपूतों के त्याग व बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। समाजवादी पार्टी के लिए जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि समाजवादी विचारधारा से युक्त समता, स्वतंत्रता, न्याय बंधुओं के लिए आजीवन संघर्षरत रहने वाले मानवता के सजग प्रहरी, प्रखर प्रवक्ता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हमेशा अन्याय, अत्याचार के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते रहे। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं व अन्य कमजोर वर्ग के लोगों के हक और अधिकार के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहे। उनके विचारों से हमें हमेशा प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके विचारों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। इस शहादत दिवस के अवसर पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के जन्म दिवस पर अमर वीर सपूतों को नमन किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता, पूर्व मंत्री डॉक्टर राम राजभर ने शहादत दिवस व जन्मदिन दिवस पर प्रकाश डाला। जिला महासचिव हरिप्रसाद दुबे ने संचालन किया कि जिसमें प्रेम यादव चेयरमैन जी निजामाबाद, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव अजीत कुमार राव, महिला सभा जिला अध्यक्ष बबीता चौहान, बाबा साहब वाहिनी के जिला अध्यक्ष संतोष गौतम, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष जगदीश प्रसाद, पूर्व प्रमुख सुशील आनंद, गोपालपुर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर हरी राम सिंह यादव, रामपलट यादव, जिला उपाध्यक्ष विवेक सिंह, कमलेश यादव, अशोक यादव, किरण श्रीवास्तव, सुनीता उपाध्याय, जगदीश गौतम, अनिता चौहान, नीरज राजभर, सेरा यादव, केदार यादव आदि लोग उपस्थित रहे। आइए देखिए योगेंद्र प्रजापति की खास रिपोर्ट। आज समाजवाद के सजग प्रहरी और समाजवादी आंदोलन के अग्रणी नेता डॉक्टर लोहिया जी की जयंती है। हम सभी लोग उनको नमन किए, श्रद्धांजलि अर्पित किए और दूसरे आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व निशान करने वाले शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु शहादत दिवस है। हम लोग उन वीर सपूतों को नमन करते हैं और उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इस देश में जो माहौल है, जो परिस्थितियाँ हैं, आज इनके विचारों की प्रासंगिकता बढ़ती जा रही है और इनके विचारों पर चले के ही देश से हम गरीबी, बेरोजगारी दूर कर सकते हैं, मानवता का राज कायम कर सकते हैं। इस आधार पर आज सभी लोगों से अपील है कि सब लोग इनके आदर्शों पर चलने का काम करें। चले करिए। एक बार और राजनीतिक, सामाजिक, सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।